भारत की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और इस वर्ष श्रीराम कॉलेज की इशिता किशोर ने इस परीक्षा में टॉप किया है। वहीं दूसरी रैंक बिहार की गरिमा लोहिया और तीसरा रैंक उमा हारथी एन ने हासिल किया है। वहीं पास हुए कैंडिडेट की मार्कशीट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 दिन के भीतर अपलोड कर दी जाएगी, जिसके बाद वह छात्र अपने प्राप्त अंक देख सकते हैं। बता दें कि 933 कैंडिडेट्स ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 उत्तीर्ण की है और जिनमें से 613 पुरुष और 320 महिलाएं हैं। वहीं इस साल टॉप 25 सफल कैंडिडेट में 14 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल है। वहीं यूपीएससी 2022 में ऑल इंडिया रैंक में पहले स्थान रहने वाली इशिता किशोर ने कहा है, मेरे परिवार ने मेरा असीम समर्थन किया। हालांकि मैंने प्रीलिम्स में 2 बार पास नहीं किया, लेकिन उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास था। वहीं यूपीएससी में दूसरी रैंक हासिल करने वाली बिहार के बक्सर की गरिमा लोहिया ने अपने पढ़ाई को लेकर कहा कि मैंने घर पर रहकर पढ़ाई की और मैं रोजाना रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि उस समय कोई बाधा नहीं आती थी और बहुत शांति होती थी। हासिल करते हैं, आप क्या संदेश देंगी, खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है, आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कम्फर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कम्फर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गरिमा लोहिया। तो बहुत ज़बरदस्त आपका समझ में आ रहा है, कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाएं पढ़ाई पर, मतलब आखिर किस तरह योग करती थी या क्या? तो आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपना अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता, आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है। ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।